अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे साथ हैं ज़ैनब जो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत सारे ड्रामास में काम कर रही हैं। आज हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। सो अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी ज़ैनब, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी स्टडी क्या है और एक्टिंग में आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और आपको इस फील्ड में आने का शौक कैसे पैदा हुआ? मेरी स्टडी, मैं अभी इंटर कर रही हूँ और मेरी जर्नी समझे बस मजाक मजाक में हो गया। अच्छा। कोई मतलब ये नहीं था कि मैं वाकई मैंने एक्टिंग करनी है या कुछ। हुआ ये कि मतलब मुझे लोग कमेंट करते थे आप एक्टर बन जाए एक्टर बन जाए और बस बन गई। किसी ने मुझे रेफर किया इंस्टाग्राम में, तो वो मेरे ख्याल से सलमाटो प्रोडक्शन को जानते थे, उन्होंने मुझे कहा ऑडिशन देने जाए, तो मैं आई। तो मैं बहुत नर्वस थी, बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैं बहुत ही पिंजरे में बंद थी। फिर जब मैंने ऑडिशन दिया और मतलब मेरी सिलेक्शन हुई, मैं काफ़ी उदास हो रही थी, तो फिर यहाँ पे एक सर थे, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप उदास ना हो, आप एक्टिंग क्लासेस लें, आप सीख जाएंगी कर लेंगी। मेरा एक मतलब अभी भी है, मैं हंसती बहुत हूँ। तो उन्होंने मुझे ये सब गाइड किया कि नहीं आपने ऐसा हंसना नहीं है स्क्रीन में, ये ऐसा नहीं करना है। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने मुझे गाइड किया, तो बस इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। यानी जिंदगी काफी खुशगवार है, काफी हंसमुख है आप। बहुत अच्छा, तो हंसते हंसते बन गए एक्टर, कुछ ऐसी ही आपकी जर्नी है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया? मुझे इस फील्ड में 1.5 से 2 साल हो गए। काफी है सर। इस फील्ड में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? वैसे तो हर फील्ड में मुश्किलात होती है, पर ये है कि मुश्किलों को पार करेंगे तभी तो मंजिल मिलेगी ना। That's great. यानी मुश्किलात का सामना हुआ बहुत, हद से ज्यादा। ठीक है। और मेरा अगला क्वेश्चन है कि इस फील्ड में काम करना आसान है या मुश्किल, इससे मुतालिक आप क्या राय देंगे? देखिए, काम करना हर फील्ड में मुश्किल है, पर यह है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप किसी से ना डरे, आप किसी खुद को किसी से कम ना, इसे एक्टर बन जाता है। हाँ, आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल इतना होना चाहिए ना कि आपके सामने कोई भी खड़ा हो ना आप मुंह तोड़ बोल दें। तो इससे ये है कि आपको कैमरा फेस करने में बहुत आसानी होती है। ओके। और ये बात मुझे किसी डायरेक्टर ने कहा था। दैट्स गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने कितने ड्रामास में काम किया है और किस किस प्रोडक्शन के साथ काम किया है और इन ड्रामास में आपके कैरेक्टर क्या है? मैंने अभी तक तो मतलब ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जितने प्रोडक्शन है सबके साथ काम कर लिया। दैट्स ग्रेट। और ड्रामास की बात करें, मैंने मतलब हम टीवी में काफ़ी सारे ड्रामों में मैंने नर्स का कैरेक्टर किया है। अभी हम टीवी के 2 ड्रामास अभी आने वाले मुंबई प्रोडक्शन, तो उनमें मैंने मेड का कैरेक्टर भी किया है, एक में मैंने कज़न का कैरेक्टर किया है, और काफ़ी सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर किए हैं। अभी अब अख्तावर में मैं कर रही हूँ, और भी मतलब जियो का भी एक मेरा प्रोजेक्ट ऑन एयर होने वाला है, उसका कैरेक्टर नहीं बता सकती। होप सो। चलें, आपका जो कैरेक्टर है ऑब्वियसली मुझे भी पता है कि ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है, तो होप सो हम दुआ करेंगे आप उनमें बहुत जौहर दिखाएं और बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाएं इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि मतलब अभी तक आपने छोटे कैरेक्टर किए, बड़ा कैरेक्टर नहीं किया? हाँ कह सकते हैं कि सबसे छोटे नॉर्मल, ना बड़ा ना छोटा, बीच का। ठीक है, डन। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस फील्ड में आने के बाद आप में क्या चेंजिंग्स आई हैं? आई मीन हमने सुना है कि जब कोई एक्टर बनता है, एज एन एक्टर काम करता है, उसके अंदर काफ़ी एटीट्यूड प्राउड आ जाता है, क्या आप में चेंजिंग आई? बहुत ज़्यादा। मतलब आप में प्राउड आया या एटीट्यूड आया? मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं, इतने थके हुए होते किसी को टाइम ही नहीं देते और सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं एटीट्यूड आ गया, एटीट्यूड आ गया। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं एटीट्यूड नहीं आया, लोगों को फील हो रहा है? लोगों को फील हो रहा है, असल में इतना हार्ड काम है ना कि इंसान थक जाता है। अब कोई मैसेज कर रहा होता ना, उस वक्त उसको रिप्लाई ना करो ना, तो वो ये सोचता शायद वो स्पीड में गया, इस वजह से उसका एटीट्यूड है। यानी पहले आप जल्दी रिप्लाई देते थे, अब हाँ, क्योंकि पहले वेले बैठे होते थे, काम ही नहीं होता था हमारे पास। जने, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने पहला ऑडिशन कब दिया था और क्या अभी भी आपको काम करने के लिए ऑडिशन देना पड़ता है या डायरेक्ट काम मिल जाता है? मैंने पहला ऑडिशन मैंने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले दिया था, मैंने जो बताया था सन्नाटो प्रोडक्शन में आई थी, मैंने वहाँ पहला ऑडिशन दिया और उसके बाद तो मैंने कहीं ऑडिशन नहीं दिया। यानी काम मिलता रहा। अच्छा ऑन द सेट आपको किस डायरेक्टर की डायरेक्शन अच्छी लगी, कौन सा डायरेक्टर आपको लगता है कि काफ़ी अच्छी डायरेक्शन करता है और किस एक्टर के साथ एक्टिंग करते हुए आपको मजा आया और आपका फेवरेट एक्टर कौन है?
जय। एक टाइम मैं नाम भूल गई, सॉरी सर अगर आप सुन रहे हो तो। इतने हवा के डायरेक्टर हैं, उनके साथ मुझे बहुत मतलब मैं कंफर्टेबल थी, क्योंकि फर्स्ट टॉकी भी उन्होंने मुझे करना सिखाया था कि बेटा आपने एक्सप्रेशन ऐसे देना है, आपने आईज इतनी देर तक ब्लेंड नहीं करनी तब आप एक्टर बन पाओगे। काफ़ी कुछ उन्होंने भी मुझे बताया, तो वो डायरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। और मतलब कंफर्टेबली शूट की बात करें तो शहजाद शेख के साथ बहुत कंफर्टेबल थी, और नूरुल हसन के साथ भी, नूर हसन के साथ भी बहुत कंफर्टेबल रही, हीरा मानी के साथ रही, और फेवरेट एक्टर मेरी सबा कमर है। सबा कमर है, अच्छा कंफर्ट आप इनके साथ रहे, फेवरेट एक्टर वो है। जी अभी तक उनसे मुकाबला मतलब काम नहीं हुआ उनके साथ। चलें ठीक है। अच्छा तो आज का मेरा आपसे ज़ैनब लास्ट क्वेश्चन है, जो एक्टर बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप इनको क्या राय देंगी, उनको आना चाहिए या नहीं? जी मेरी राय ये है कि आप आए, मोस्ट वेलकम, मेहनत करें और फिर जो आपकी मंजिल होगी वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू। वेलकम। आज की हमारी एक्ट्रेस थी ज़ैनब, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, होप सो हमारी विशेज हैं कि ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बने। नाइस टू मीट यू ज़ैनब, अल्लाह हाफिज़।